अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी खिचड़ी किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप अशिया नोट कर लीजिए। 1/2 kg मूंग दाल, 1 kg राइस, 3/4 cup कुकिंग ऑयल, 1 large size अनियन, 1 tablespoon गार्लिक, 1 tablespoon क्यूमन सीड्स, 3 small sticks ऑफ सिनेमन, 7 cloves, 15 black peppers एंड सॉल्ट टू टेस्ट। दाल को आप पकाने से पहले आधा घंटा पहले भिगो कर रख दीजिएगा। ऑयल को गर्म करके इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी और इसको नरम होने तक फ्राई करूंगी। इसको नरम करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये लहसुन डाल दूंगी, साबुत गरम मसाला डाल दूंगी और ज़ीरा डाल दूंगी। अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूंगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये 1 glass ऑफ वाटर डाल दूंगी। इसके अंदर मैं ये सॉल्ट डाल दूंगी और जो मैंने दाल को भिगो के रखा था इसे निचोड़ कर डाल दूंगी। पानी डालने के बाद अब मैं इसको ढक्कन ढककर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक दाल जो है वो अच्छे से गल ना जाए। चावलों को पकाने से पहले आधा घंटा मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, अब मैं इसको पकाऊंगी। देखिए दाल जो गल चुकी है, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं चावल गलाने के लिए इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं ये चावल डाल दूंगी। 1 glass चावल के हिसाब से मैंने 1.5 glass पानी इसमें डाला है। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम ढककर इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चावल अच्छे से गल ना जाए और पानी भी खुश्क ना हो जाए। अब एक गीला दस्तरखान जो है वो मैं ढक्कन पर लपेट दूंगी और ये देखिए इसमें पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। देखिए 5 मिनट के बाद अब ये तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। देखिए नाज़रीन, खिचड़ी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। आप इसको इसी तरह बनाकर सलाद के साथ और दही की चटनी के साथ पेश कीजिएगा। ये खाने में बहुत लजीज होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।